नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर निवेश की बातें और ट्रेडिंग की बातों सभी शो में हम करते हैं शामिल। आप अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स के एडवाइस ले सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका कैसे आ सकते हैं यहाँ पे शो में। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप देख भी सकते हैं और साथ ही अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं। #askavaz लिखिए, फेसबुक ट्विटर पर जाइए सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर। शो के दौरान भी कुछ सवाल हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पिक करते हैं। आज हमारे साथ है ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ। अमित नमस्कार, स्वागत है आपका। अमित से राय लेंगे कल के मार्केट के लिए, लेकिन पहले आज का एक रीकैप लेकर आते हैं। आज एक वॉलेटिलिटी का सेशन था, लेकिन फाइनली मार्केट हरे निशान में बंद हुआ। निफ्टी 100 अंक तो वहीं बैंक निफ्टी 290 अंक नीचे से सुधर कर बंद हुआ। कल की तेज गिरावट के बाद आईटी रियल्टी में रिकवरी रही। पीएसयू बैंक स्टॉक्स में हल्का दबाव देखा गया। अब दिखाते हैं आपको FISDIS के नंबर्स। FIS ने बिकवाली की 1509 करोड़ की। DIS की तरफ से खरीदारी हुई है 2861 करोड़ की। अब कल कैसा रह सकता है मार्केट, क्या चार्ट्स या डेरिवेटिव डाटा इंडिकेट कर रहा है, इस पर करते हैं बातचीत। अमित नमस्कार, बताइए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। जी गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। मैम पहले तो अगर दोनों इंडेक्सेस की बात करें तो क्लियरली स्ट्रेंथ ज्यादा निफ्टी में नजर आ रहा है, बशर्ते बैंक निफ्टी हमारा लास्ट वन वीक से यही स्टांस है कि बाय ऑन डिप्स की मार्केट है। और आज के सत्र में भी हमने देखा कि जहां 10 DMA निफ्टी ने टच किया वहीं से एक रिबाउंड आया। तो जब तक 10 or 20 DMA इंटैक्ट है, आई थिंक इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट। पोजिशनली 22,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 22,050 तो कहीं भी डिप मिले तो उसे बाय करें। बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग एवरेजेस पे आके आज सपोर्ट लिया, लगभग इसने 46,588 के लेवल पे, काफी अहम और क्रूशियल लेवल है। 46,000 अगर यहाँ पे होल्ड करता है तो शायद हम यहाँ पे भी एक रिबाउंड देखेंगे टुवर्ड्स 47,000-47,500। तो रणनीति अभी भी बुलिश है बाय ऑन डिप्स की मार्केट। वो सेटअप स्टॉक्स आपके रडार पर रहेंगे। जी मैम, आज के सत्र में हमने काफी अच्छा खासा मोमेंटम टाटा मोटर्स में देखा। टाटा मोटर्स में हम पिछले 3-4 दिनों से बुलिश है, तो मुझे लगता है यहाँ पे आज एक ब्रेकआउट मिला है, यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम रहना चाहिए। और इसके अलावा मुझे वोल्टास का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है, तो इन दो स्टॉक्स पे कल मेरी नजर रहेगी। ओके चलिए, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजीज इंडेक्स पर स्टॉक स्पेसिफिक अमित की तरफ से। बिना देरी के क्वेश्चंस को लेते हैं। रामदास चौधरी नागपुर से हमारे साथ कनेक्टेड है। रामदास जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ मैडम, डेल्टा कॉर्प मेरे पास 5,500 है, तो उसको क्या किया जाए क्योंकि काफी डाउन आ चुका है। 39 का मेरा पहला बाइंग था, उसके बाद में एवरेज करके अगर फिर भी हो 250-254 वगैरह एवरेज आया है, उसके बारे में जानकारी लेना था क्या किया जाए, ला जाए या रखा जाए डेल्टा को। ओके चलिए, इसके अलावा बिरला सॉफ्ट भी है आपके पास, यहाँ बाइंग प्राइस क्या बताया आपने। यस बिरला सॉफ्ट मैडम करीब 390 करीब एवरेज प्राइस, तो ये भी मेरे पास 13-14 390 बिरला सॉफ्ट। डेल्टा कॉप 254 क्या सजेशन रहेगा बिरला सॉफ्ट में, तो शानदार मुनाफे में है, 800 पर आ चुका है स्टॉक। डेल्टा कॉप एवरेज किया है इन्होंने, उसके बाद 254 की पाएंगे। जी सबसे पहले मैं बिरला सॉफ्ट में आना चाहूंगा। बिरला सॉफ्ट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्टॉक में रिसेंटली हमने एक शार्प रनअप देखा था, उसके बाद थोड़ा सा स्टॉक जरूर एक प्रॉफिट बुकिंग मोड में चला गया। और आज के सत्र में हमने देखा कि स्टॉक ने अपने लगभग 50 DMA पे रेस्ट लिया है, एक सपोर्ट लिया है। तो जब तक ये 50 DMA के लेवल्स इंटैक्ट हैं, जो कि लगभग 770-775 के आसपास, जब तक ये जोन इंटैक्ट है, मुझे लगता है स्टॉक एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में रहेगा और उसके बाद वापस एक अपट्रेंड रिज्यूम करेगा। तो विद क्योंकि इनका थोड़ा सा पोजिशनल इन्वेस्टमेंट है, 770 के स्टॉक के साथ बिरला सॉफ्ट में बने रहने की सलाह है। एज फार एज डेल्टा कॉप इज कंसर्न्ड, डेल्टा कॉप में हमने लास्ट ईयर एक टैक्स रिलेटेड न्यूज देखा था, उसके बाद एक इसमें स्टॉक में क्रैक आया था, तब से लेके अब तक हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक एक नीचे के लेवल्स पे एक कंसोलिडेशन मोड में, जिसमें नीचे का लेवल लगभग 127 के आसपास है और ऊपर 160। तो स्टॉक पिछले 2 महीनों से ये दायरे में घूम रहा है, 160 से 170 में गैप रेजिस्टेंस है, जो मुझे लगता है इन द नियर टर्म थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्रॉस करना। तो जब तक 170 क्रॉस नहीं होता, मेरे ख्याल से इनका लॉस क्विकली रिकवर नहीं हो सकता है। बट सिंस स्टॉक कुछ दिनों से अपने लेवल्स होल्ड कर रहा है, तो यहाँ बने रहने की सलाह, बिकॉज ही इज ऑलरेडी सिटिंग ऑन अ लॉस, तो बने रहे विद अ स्टॉप ऑफ 130। लेकिन कोई जल्दी नहीं लगती मुझे कि इनका लेवल्स कोई जल्दी आने वाला है अभी। ओके
बात करते हैं अब गोपाल राठी से, मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। गोपाल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम मेरे पास वेदांता है 250 शेयर। और वेदांता 265 है आपके पास, और एचडीएफसी बैंक 1497। ओके, क्या सजेशन रहेगा हमें? एचडीएफसी बैंक 1497 इन्होंने मेंशन किया, वेदांता 265। जी, एचडीएफसी बैंक हमने लास्ट वीक भी बात की थी, लगभग 1360 के लेवल्स पे, वहां पे मेरी सलाह थी 1420 1450 के लेवल्स आएंगे, वो इनफैक्ट इसने अचीव किया। करंट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो आज भी मेरी राय यही है कि ये स्टॉक एक बेस बिल्डिंग फेज में है, 1350 1360 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अगर एकदम इमीडिएट टर्म की बात करें इनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो 1385 1390 जब तक होल्ड कर इंटैक्ट है बने रहने की सलाह है। स्टॉक एक बेस बिल्डिंग मोड में है, टाइम लगेगा एक आउट परफॉर्मर बनने में, तो बेसिकली कंसोलिडेशन मोड में है, इसमें बने रहने की सलाह है। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा था वेदांता का में हमने रिसेंटली एक शार्प रनअप देखा था, उसके बाद स्टॉक एक प्रॉफिट बुकिंग मोड में, एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बना रहा है, आज के सत्र में 50 डेमा पे रेस्ट कर रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव है रिसेंटली, 50 डेमा लगभग 262 के आसपास आता है। अगर ये ब्रेक होता है क्लोजिंग बेसिस में तो लगभग 250 तक के लेवल्स यहाँ पे देख सकते हैं, 250 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अगर वो होल्ड नहीं करेगा तो देन आई थिंक यहाँ पे मुश्किलें बढ़ेंगी, तो इस चीज का ख्याल रखें, 250 260 इज अ सपोर्ट एरिया, अगर वो डैमेज हो जाता है तो फिर काफी दिक्कतें आ जाएंगी स्टॉक्स में। ओके, बात करते हैं सुशील कुमार से, देवघर से हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। हाँ गुड इवनिंग मैडम, मेरा सवाल ये है कि मैंने लक्स इंडस्ट्रीज का जो है 1000 शेयर लिया था 1367 पे, और बिनाती ऑर्गेनिक्स का 1735 पर 500 शेयर लिया था, दोनों डाउनग्रेड हो रहा है, डाउन जा रहा है, क्या करना चाहिए? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपके लिए। तो लक्स इंडस्ट्रीज 1369 और विनती ऑर्गेनिक 1735, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? जी, लक्स इंडस्ट्रीज की बात करें तो स्टॉक क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में है, सीरीज ऑफ लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं, अब सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड करा, तो मेरी सलाह यही है कि कोई भी बाउंस आए तो यहाँ पे निकलने की कोशिश करें, लगभग 168 रुपीज का लॉस है, बाउंस आए तो निकलने की कोशिश करें, यहाँ पे यही सलाह है। और जहां तक इन्होंने कहा विनती ऑर्गेनिक्स, एक बार मैं चार्ट लोड कर लेता हूँ, विनती जी, विनती ऑर्गेनिक्स मैम ये स्टॉक भी डाउन ट्रेंड में है, क्लियरली सारे मूविंग एवरेजेस रिवर्स साइड में अलाइंड है, स्टॉक 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, रिसेंटली 100 डेमा पे एक रेजिस्टेंस लेके 1740 के लेवल में वापस एक डाउन ट्रेंड देख रहे हैं, और मुझे लगता है ये डाउन ट्रेंड थोड़ा रिज्यूम रहेगा जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे भी कोई भी बाउंस मिले तो निकलने की कोशिश करें। ओके, बात करते हैं अनिल गोयल से, मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड है। अनिल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम मेरे पास इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के 500 शेयर्स हैं, 165 की रेट है मेरे पास, और लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा। ओके, तो क्या करना चाहिए, अभी होल्ड करना चाहिए या का रेट है, लॉन्ग टर्म व्यू है, 28 रुपए का फायदा हो रहा है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में, क्या सजेशन लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से? जी प्योरली अगर चार्ट्स पे जाएं तो फिलहाल तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, क्योंकि स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, सीरीज ऑफ हायर हाई हायर लोज हैं, इसका एक रेजिस्टेंस लगभग आता है 206 के आसपास, 206 का हर्डल वीकली और मंथली चार्ट्स पे भी अगर ये क्रॉस करता है तो लगभग फिर हम थोड़े से हायर लेवल्स देख सकते हैं, बट फिलहाल नथिंग इज रॉन्ग। एक जो लास्ट इसका स्विंग लो है लगभग 182 के आसपास, 182 के स्टॉप से इसमें फिलहाल बने रहे, तेजी आएगी 206 के ऊपर। ओके, चलिए तो ये रहा सजेशन आपके लिए आईबी हाउसिंग पर। बात करते हैं विक्रांत गुप्ता से, मैनपुरी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। विक्रांत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार जी, मेरे पास बंधन बैंक के 4500 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 2539, तो मैं एक साल या दो साल रुक सकता हूँ, तो इसमें क्या करना चाहिए मेरे को? आप पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा, एक से दो साल रुक सकते हैं, या इनकी जो खरीदारी है वो 240 की है, क्या करें? जी अनफॉर्चुनेटली ये स्टॉक भी एक डाउन ट्रेंड में है, क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, रिसेंटली जो पुलबैक आया था उसने 20 डेमा 210 के आसपास वहां से हम वापस सेल ऑफ देख रहे हैं,
सपोर्ट की बात करें तो लगभग 185-190 के आसपास सपोर्ट है। तो मेरी सलाह यही है कि मेक और ब्रेक जोन स्टॉक का 190 टूटता है तो दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। सिंस स्टॉक इज इन अ डाउन ट्रेंड, मेरी सलाह यही है कि कोई भी राइज आए तो यहाँ पे एग्जिट करने की फिलहाल कोशिश करें। ओके, बात करते हैं सतीश खंडेलवाल से, कनेक्टेड है हमारे साथ। सतीश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। क्या मैम, मेरे पास टाइटन के है ना 25 शेयर है 3395 की। ओके, अभी मैं होल्ड करूँ या क्या करूँ? मैंने ट्रेडिंग के पर्पज से खरीदे थे, पूछ ये कॉल मतलब यहाँ पोजीशन से बताइए, ट्रेडिंग के हिसाब से लिया लेकिन लॉस हो रहा है तो होल्ड करना पड़ गया, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? जी सिंस इनका पर्सपेक्टिव ट्रेडिंग का तो बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देख सकता हूँ, वैसे ओवरऑल स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं है, बट पर्सपेक्टिव ट्रेडिंग का है तो 3600 के स्टॉप के साथ बने रहे, 3600 टूटता है तो एग्जिट कर दें, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, आशा करता हूँ कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, बात करते हैं जॉयजीत रॉय से, भुवनेश्वर ओडिशा से हमारे साथ हैं। रॉय साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मेरा एक्चुअली दो स्टॉक के ऊपर थोड़ा सवाल था। पहला सवाल था दीपक फर्टिलाइजर, मेरे पास करीब 1.5 साल से है, 1 साल से ऊपर हो गया है, मैंने 685 का प्राइस में खरीदा था 70 शेयर से, तो लिया तो था मैंने 1.5 साल का होराइजन के लिए, लेकिन अभी थोड़ा टाइम हो गया, ये शेयर 25% नीचे जा चुका है मेरा परचेज वैल्यू से, तो मैं इसको रखूं कि बेच दूं? मैं इन्वेस्टर हूं, मैं ट्रेडर नहीं हूं। दीपक फर्टिलाइजर 685 की आपकी बाइंग है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया, 514 पर कर रहा है ट्रेड, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? जी अनफॉर्चुनेटली ये स्टॉक भी डाउन ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ वीकली चार्ट्स पे 500 490 500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, 490-500 टूटे तो डेफिनेटली निकल जाए, नहीं तो सलाह यही है कि कोई भी बाउंस आए तो निकलने की कोशिश करें जहां पे इनका लॉस कम हो। ओके, बात करते हैं सचिन गर्ग से, हमारे साथ कनेक्टेड है। सचिन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मैम मेरे पास ना 140 शेयर हैं अडानी विल्मर के, 388 में मेरी परचेज है और मैं इन्वेस्टर हूँ, तो बस ये पूछना चाहता हूँ अडानी विल्मर 388 की बाइंग इनके भाव के आसपास ही है, लेकिन व्यू है इनका इन्वेस्टमेंट का, क्या सजेशन रहेगा? जी अडानी विल्मर का अगर स्ट्रक्चर देखें रिसेंटली तो डेफिनेटली स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था, बट 3 दिनों पहले हमने यहाँ पे देखा कि स्टॉक ने अपना 200 डेमा जो काफी समय से 200 डे मूविंग एवरेज स्टॉक नहीं क्रॉस कर पा रहा था, स्टॉक ने अच्छे खासे वॉल्यूम से उसे क्रॉस किया है। यहाँ पे भी बात यही आ जाती है कि ठीक है एक बार डेफिनेटली सस्टेन किया है तो 200 डे जो मूविंग एवरेज लगभग 378 के आसपास आता है तो 375 का एक स्टॉप लॉस लगा के बने रहे, रेजिस्टेंस आता है 406 के लेवल पे, 406 अगर क्रॉस होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम बनेगा। ओके, ओम प्रकाश छाबड़ा है श्रीगंगानगर राजस्थान से, छाबड़ा साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते, मेरे पास CMS शेयर हैं 3000 के रेट के खरीदे हुए हैं, करीबन 2 साल से है, तो क्या करें इसका? ओके, और आपका होराइजन क्या है? 2 साल तो ऑलरेडी आपने दिया, आगे के लिए क्या व्यू लेके चल रहे हैं? 6 महीने के अंदर मैं इसको निकालना चाहता हूँ। ओके, 6 महीने का व्यू लेके चल रहे हैं, 3200 रुपए की खरीदारी है और 3154 पर ट्रेड कर रहा है तो इनको लगभग 46 रुपए पर स्टॉक का नुकसान हो रहा है, 100 रुपए का नहीं, तो क्या सजेशन रहेगा कैंप्स पर? जी रिसेंटली स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, सीरीज ऑफ हायर आई हायर लोस बन रही हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, लॉस कवर होगा और प्रॉफिट की भी अच्छी खासी आशा है, लेकिन 20 डेमा मूविंग एवरेज जो कि लगभग 3000, थोड़ा सा स्टॉप डीप रहेगा क्योंकि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पर्पस है और मार्केट वोलेटाइल रहती है तो स्टॉप हंट हो जाता है, तो 3000-3025 के स्टॉप के साथ बने रहे, स्ट्रक्चर चार्ट का पॉजिटिव है। ओके, बात करते हैं अमर से, सतारा राजस्थान से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अमर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मेरे पास मैम HPCL के 100 शेयर थे 229 के प्राइस पे, तो मुझे 1 साल के लिए उसके लिए उसका मैं सजेशन चाहिए था, 1 साल होल्ड करना था।
तो वन ईयर का व्यू है, हालांकि अच्छे प्रॉफिट्स में है फिलहाल। ये क्या सजेशन रहेगा HPCL पर? 229 की बाइंग है, 300 रुपए का सीधे फायदा हर स्टॉक पर। जी यहाँ पे स्टॉक ने एक शार्प वर्टिकल रैली देखी है, ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। इनकी इन्वेस्टमेंट पे इनको जरूर प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना भी इस मार्केट में बहुत जरूरी है। तो 500 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, अगर 500 के नीचे जाता है तो अपना थोड़ा बहुत मुनाफा मानने की कोशिश करें। जब तक 500 इंटैक्ट है मुझे लगता है स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं है अभी भी। ओके, बात करते हैं एकांत से कोलकाता से हमारे साथ है। एकांत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम जी मेरे पास एप्टेक है, 251 में मैंने कुछ खरीदे थे एप्टेक, तो कितने दिन के लिए होल्ड करना चाहिए और, क्योंकि इसका तो मुझे जानना चाह रहा लोगों से। ओके, तो आपकी बाइंग 251 के आसपास की है, 150 स्टॉक्स हैं फिलहाल, 241 पर ट्रेड हो रहा है, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? जी थोड़ा सा स्ट्रक्चर नेगेटिव है यहाँ पे, स्टॉक क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में है, तो मेरी सलाह यही है अभी इनका लॉस ज्यादा नहीं है, अगर इनके भाव के आसपास आए तो निकलने की कोशिश करें फॉर द टाइम में। पीयूष है हमारे साथ अब राजकोट से। पीयूष नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैडम, मैंने एबीबी लिया था 2100 में, मेरे पास 22 शेयर है अभी टोटल, मेरा एवरेज कॉस्ट है उसका 2300 का, और मेरे पास 35 सीमेंट भी है, वो 2000 के आसपास का है। तो सीमेंट आपके पास 2000 का है या 2800 रुपए का है? 2000 के आसपास लिया है मैंने, कोरोना के टाइम में ही लिया था 2000। ओके ओके ओके, तो काफी अच्छे प्रॉफिट्स में आप सीमेंट्स में भी, दोनों ही स्टॉक्स में इनफैक्ट। अब आप बताइए, ऑलरेडी आपने 2-3 साल तो दे दिए, कुछ और समय भी देना चाहते हैं? लॉन्ग टर्म व्यू है या? हाँ, मैं और 2 साल दे सकता हूँ। ओके ओके, तो शानदार लेवल्स की एंट्री है इनकी एबीबी में, इन्होंने बताया 2300 का एवरेज है, 22 शेयर्स हैं, सीमेंस बताया लगभग इनकी 2000 की खरीदारी है, और यहाँ 35 स्टॉक्स हैं, तो दोनों स्टॉक्स इनके भाव से तो डबल से भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। क्या करें, रख लें अभी और 2 साल? अगर एक स्टॉप लॉस लगाना हो तो किन लेवल्स के आसपास लगाएं, क्या सजेशन रहेगा? जी प्योरली टेक्निकल बेसिस में अभी भी दोनों स्टॉक्स में बनाए रहना चाहिए, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। ईवीवी में तो रिसेंटली हमने एक वापस एक अपटिक देखा ऑन स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, लेकिन ये बात सही है कि इतने बड़े मुनाफे में तो एक स्टॉप लॉस, थोड़ा इन्वेस्टमेंट का स्टॉप लॉस रेस कर लेना चाहिए। तो लगभग 5150 जब तक इंटैक्ट है आप एबीबी में बने रहें। सिमिलरली सीमेंस का भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, स्टॉक कंटिन्यूअसली हायर है, हाई लोस पे ट्रेड कर रहा है, वीकली मंथली स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी अपना जो प्रॉफिट का ट्रेल करने का स्टॉप लॉस है रेज इट टू 4400-4450 और दोनों में ट्रेंड को राइड करना चाहिए। ओके चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार लेंगे सोशल मीडिया से क्वेश्चंस को, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार और अमित सेठ हमारे साथ मौजूद है अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फटाफट से सोशल मीडिया से कुछ क्वेरीज को पिक कर लेते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं ट्विटर का, जहां पर लगातार हमें क्वेश्चंस मिल रहे हैं। एक सवाल हमें भेजा है विकास ने, SW सोलर पर इनका सवाल है, स्टर्लिंग विल्सन सोलर 609 की बाइंग है, 3 मंथ्स का व्यू है, बताइए अमित क्या सजेशन रहेगा? जी ये स्टॉक भी थोड़ा सा साइडवेज मोड में चला गया है, तो बने रहे, स्टॉप लॉस लगभग इसमें रखिए 580 रुपीज का। धर्म का सवाल है, 6 मंथ्स का व्यू है, HCC पर क्वेश्चन है, 44 के बाएंगे 1500 स्टॉक्स। जी थोड़ा सा यहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, स्टॉक ने 20 डेमा अपना ब्रेक कर दिया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे पुलबैक बढ़ सकता है, 38 रुपीज की तरफ स्टॉक जा सकता है, तो थोड़ा सा अगर इनको कोई मिले तो इसमें से एग्जिट करने की कोशिश करें फॉर द टाइमिंग, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है एक पुलबैक आ रहा है स्टॉक में। श्याम सुंदर गुप्ता एक सवाल भेजे हैं ट्विटर पर ही, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और रेपको होम फाइनेंस दोनों में ही ये एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं 3 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से, जानना चाहते हैं 3 महीने के हिसाब से दोनों में से कोई स्टॉक बेहतर लग रहा है क्या? जी मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में अगर चाहें तो पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन बनाए लगभग अगर इन्हें ये स्टॉक लगभग 180-185 के जोन्स में मिले तो एक छोटा सा 175 के स्टॉप लॉस के साथ इस पे एंट्री बनाएं, फिलहाल वेट करें, मुझे लगता है स्टॉक थोड़ा पुल बैक देगा तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा,
अराउंड 180 185 जोन्स, वहां पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। अक्षत गोयल एक सवाल भेज रहे हैं मेरठ उत्तर प्रदेश से, LIC के स्टॉक्स हैं इनके पास 100 स्टॉक्स, 1078 की परचेजिंग है। दूसरा है मैनकाइंड फार्मा है 2070 की बाइंग है, जानना चाहते हैं दोनों में और ऐड कर सकते हैं क्या, स्पेसिफिकली मेंशन किया है व्यू इनका शॉर्ट टर्म है। नहीं, एक बार तो मैं LIC में ऑल्दो द स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव, सबको यहाँ कोई खराबी नहीं है, लेकिन अगर नहीं लिया तो काफी लेट हो गया, स्टॉक ने ऑलरेडी फॉर द टाइमिंग 700 से एक रैली दिखा दी 1100 के लेवल्स तक की, तो थोड़ा सा डाइजेशन मोड में रहेगा, साइडवेज मोड में रहेगा, तो मोमेंटम इसमें जरूर बनेगा लेकिन थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद। तो फिलहाल इफ ही हैज मिस्ड इट देन एक बार अवॉइड करें LIC हाउसिंग फाइनेंस, सॉरी LIC को। ओके चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए, अवॉइड करने की सलाह है LIC का स्टॉक। एक और सवाल ले लेते हैं, एक सवाल राकेश ने भेजा है नोएडा से, हीरो मोटो कॉर्प 4840 की इनकी बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, जानना चाहते हैं क्या करें। जी यहाँ पे भी एक शानदार रैली के बाद एक पुल बैक आ रहा है, तो स्टॉक मेरे ख्याल से कुछ दिनों के लिए अभी कंसोलिडेशन मोड में रहेगा, साइडवेज मोड में रहेगा, अहम सपोर्ट इसका 4200 के आसपास है, तो उसको ख्याल रखें, 4200 अगर ब्रेक होता है तो मुश्किलें बढ़ेंगी, बट फिलहाल इट्स जस्ट अ नॉर्मल पुल बैक और मुझे लगता है स्टॉक कुछ दिनों के लिए कंसोलिडेशन में जाएगा। ठीक है, एक सवाल हमें मिल रहा है विजय का, पंजाब नेशनल बैंक पर इनकी 126 रुपए की खरीदारी है, व्यू 6 मंथ्स। जी PNB का स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे भी स्टॉक थोड़े से पुल बैक मोड में, हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक डीप हो जाए टूवर्ड्स 116-117 के लेवल तक, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो बने रहे। स्टॉप लॉस इसका रहेगा लगभग, आप स्टॉप लॉस इसका लगभग रहेगा 110 के लेवल्स का, तो इन लेवल्स पे तो नहीं, कोई डिप आए तो डेफिनेटली वहां पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। होल्ड करने की सलाह 110 के स्टॉप लॉस के साथ, डिप्स मिले तो एंट्री ले सकते हैं। चलिए सवाल तो इतने लगे, कोई क्लोजिंग कमेंट अमित आपकी तरफ से? जी मैम, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए इनमें मेरी कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पोजीशन नहीं है, एंड दीस आर नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड। ओके चलिए, तो ये रहा सजेशन अमित की तरफ से आपकी सभी क्वेरीज पर। शुक्रिया अमित शुमे आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक उस पर भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।